लेसन नंबर 5 में हम ज्यादा कोशिश करेंगे प्रैक्टिस करने की, इसकी प्रैक्टिस करने की ज्यादा कोशिश करेंगे प्रैक्टिस करने की, सेंटेंसेस बनाने की प्रैक्टिस करेंगे। और हम ग्रुप कौन सा यूज करेंगे, बी वर्ब, ठीक है, बी वर्ब। अब प्रैक्टिस करने से पहले, हम प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे हैं, इससे पहले एक चीज और हम समझते हैं कि हमको सेंटेंस जो बोलने हैं वो तीन टाइम के हिसाब से, तीन टेंस के हिसाब से हमको बात करनी है। कौन से टेंस है वो, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ठीक है। अब प्रेजेंट में जो बी वर्ब है वो इज, एम और आर, इज, एम और पास्ट में होगा वॉज और वर, और फ्यूचर में होगा शैल बी, विल बी। ये क्या है, बी वर्ब से। प्रेजेंट में बी वर्ब कौन सा है, पास्ट में मतलब इज एम का क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा, ठीक है, और आर का क्या होगा, वर्ब होगा। और ये तीनों को अगर हम यहां पे लेके आएंगे या शैल भी होगा या विल भी होगा, आप समझ में आपको। तो प्रेजेंट में इज एम आर वॉज वर, पास्ट में और फ्यूचर में शैल भी विल भी। चूंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, आज हम प्रैक्टिस किसकी करेंगे, बी वर्ब प्रेजेंट टेंस की प्रैक्टिस करेंगे। किसकी प्रैक्टिस करेंगे, बी वर्ब ग्रुप टेंस प्रेजेंट की प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट को कलेक्ट कर लेते हैं मेमोरी में, है ना, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को कलेक्ट कर लेते हैं। कितने सब्जेक्ट हैं, तीन। कौन से हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, ठीक है। अब यहां पे हम लोग लिखते हैं सिंगुलर और नीचे लिखते हैं प्लूरल, ओके। नाउ आई, यू, ही, शी और इट, प्लूरल, वी, यू ऑल, और यहां पे आ जाएगा दी, ठीक है। अभी मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है, आई मेल भी हो सकता है या फीमेल भी हो सकता है, ए बी सी, मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है, मेल या मेल, फीमेल, मेल, फीमेल, बट ये मेल, ये फीमेल, ये बोथ हो सकता है, ठीक है। ये हमारा जेंडर न्यूट्रल जेंडर हो सकता है, हम इसके आगे बारे में, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। दे मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है। तो आपने फर्स्ट पर्सन, आपने पर्सन को कलेक्ट कर लिया, टोटल टोटल कितने हैं सब्जेक्ट्स, टोटल सब्जेक्ट्स है ऊपर कितने हैं, 5, नीचे 3, टोटल 8 पर्सन, टोटल 8 पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। उसमें बीच में 2 पर्सन क्या है, कॉमन है, मतलब सिंगुलर भी कॉमन है और प्लूरल भी कॉमन है, लेकिन इसमें साइलेंस किया जाता है ऑल को, समझा जाता है, ठीक है। तो आप फर्स्ट पर्सन समझा, अब ये जो फर्स्ट पर्सन है आपने देखा है फर्स्ट पर्सन को, अब फर्स्ट पर्सन के हिसाब से
हम कोशिश करेंगे कि क्या समझने की कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और सिंगुलर प्लूरल के साथ में कौन से वी वर्ब बने। हमने अभी वी वर्ब कौन से यूज करने की कोशिश की है, इज, एम और आर, और ये कौन से टेंस में है, बोलो, प्रेजेंट टेंस में हो रहे हैं। कौन से टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में। अब आप एक बात ध्यान में रखें कि जब आप पर्सन को यूज कर रहे हैं, समझे, तो आप यहां पे देखेंगे जब भी आई आएगा, आई के साथ में क्या होगा, एम होगा। आई के साथ में क्या यूज करेंगे आप, एम। यू के साथ में, यू के साथ में आर, ही के साथ में इज, शी के साथ में इज, ठीक है, इट के साथ में इज। नीचे आ जाते हैं, वी के साथ में आर, यू के साथ में आर, यहां पे तीनों एक ही आ जाएगा प्लूरल में, तो क्या यूज करेंगे, प्लूरल के लिए ऊपर लिखा हुआ, प्लूरल में क्या है, दे, दे के साथ में क्या आएगा, दे के साथ में आर, दे के साथ में आर, आई के साथ में एम, यू के साथ में आर, ही के साथ में इज, शी के साथ में इज, ही के साथ में इज, शी के साथ में इज, इज के साथ में इज, वी के साथ में आर, यू के साथ में आर और दे के साथ में आर। अब इसको कंफर्म कर लेना, आपको माइंड में बिठा देना, ओके, करेक्ट, समझ में। ये चीज आपका, ये जो चार्ट है, ये जो डायग्राम है, ये जो टेबल है, इस टेबल को कंफर्म अपने माइंड में बिठा लो कि आई मेल फीमेल, यू मेल फीमेल, ही मेल, शी फीमेल, इट न्यूट्रल, और वी मेल फीमेल, यू मेल फीमेल, दे मेल फीमेल। ये चार्ट आपके माइंड में परफेक्टली बैठना जरूरी, ठीक है। नाउ ऑन दिस चार्ट वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस, ठीक है। इरेज दिस चार्ट अगेन, हमने चार्ट को अभी लिखा था कैसे, ये सारे वर्ड्स हमने हॉरिजॉन्टली लिखे थे, कैसे लिखे थे, हॉरिजॉन्टल मैनर में, हॉरिजॉन्टल मैनर में मैं लिखा था। अब इसको मैं वर्टिकल मैनर में आपके साथ लिखूंगा, वर्टिकल मैनर में। सबसे पहले आप मुझको बताएं कि आई के साथ क्या आएगा, कौन सा व्यू आएगा, ऐसे कौन सा व्यू आएगा, से राउंड एम, यू के साथ आर, ही के साथ इज, वेरी गुड, शी के साथ इज, इट के साथ इज, यहां पे लिखेंगे हम लोग वी के साथ आर, यू के साथ आर, ये तीनों है तो क्या आएगा, दे के साथ दे आर। क्लियर हो गया आपको, अगेन से आई एम, यू आर, he is, she is, it is, we are, you are, they are। अब ये जो सेंटेंस है, ठीक है, ये सेंटेंस जो है, ठीक है, अब ये सेंटेंस है, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव में हो सकता है। अब इसके बाद मैं आपको एक और नाम चीज लिख देता हूं, नॉट, सब जगह आप क्या लगा दो, नॉट, कभी आएगा कभी नहीं आएगा, नॉट, नॉट, नॉट। अब देखिए, आई एम नॉट, यू आर नॉट, ही इज नॉट, शी इज नॉट, इट इज नॉट, वी आर नॉट, यू आर नॉट, दे आर नॉट। अब एक सेंटेंस हम बनाने की कोशिश करते हैं, पहले नॉट यूज नहीं करेंगे, पॉजिटिव में बोलेंगे, ओके, दिस इज माइनस, ये माइनस है, ये प्लस। अब प्लस में हम लोग बात करेंगे, आई एम इरफान सर, ओके, आई एम, बोलो, आई एम नॉट इरफान सर, नाम बताओ आपका, आई एम परवीन, बोलो,
Yes, I am Parveen. I am Khushi. जोर से. I am Khushi. Okay. I am not Parveen. I am not what Khushi. No, I am not Khushi. I am not Khushi. I am not Parveen. I am not Parveen. अभी मैं आपको बदल, आप बदल, मैं आपको बोल दूँ. You are Parveen. You are Khushi. Yes. You are Parveen. You are Khushi. Correct. You are Parveen. You are Khushi. Correct? Yes. How I'm saying? You are Parveen. You are Khushi. I'm correct? Yes. Say yes. I'm. You are correct, sir. But अभी मैं ऐसा बोलूँ. You are not Parveen. You are not Parveen. And you are not Khushi. Correct? Yes. Sentence बराबर है. तो कैसे मैं बोला? You are not Khushi. You are not Parveen. या मैं ऐसे बोल दूँ? You are Parveen. You are Khushi. तो दोनों सेंटेंस करेक्ट है. yes. तो इस तरह से बोला जाए. yes. करेक्ट. yes. अब तीसरी जगह पे समझो, अगर मैं ये बता रहा हूँ मेरे साथ में कोई यहाँ पे खड़ा है. हाँ. कोई यहाँ पे खड़ा, मैं उनको समझाने की कोशिश, समझो एग्जाम्पल, एज यू शादाब इज स्टैंडिंग हियर. शादाब यहाँ पे खड़े, ही इज स्टैंडिंग हियर बिसाइड मी. ओके. एंड लिसनिंग द लेक्चर. एंड लिसनिंग द लेक्चर, वो लेक्चर सुन रहे. तो अब क्या करेंगे, मैं उनको बता रहा हूं. शी इज Parveen. शी इज Khushi. शी इज Parveen. शी इज Khushi. करेक्ट. अब उनको बता रहा हूं, शी इज नॉट Parveen. शी इज नॉट Parveen. शी इज नॉट Khushi. समझ में आया? yes. अब मैं तुमको बता रहा हूं, He is Shadab. He is not Irfan. करेक्ट हो गया. yes. तो सेंटेंस से समझ में आए. करेक्ट. yes. अब प्लूरल की तरफ देते, वी आर इरफान सर एंड शादाब सर, या वी आर इरफान एंड शादाब. अभी प्लूरल में जाते, यू आर Khushi एंड Parveen. यू आर Khushi एंड Parveen. फिर नीचे आते, मैं इनको बोल रहा हूं, इसको बोलो, शादाब को बोलो, शादाब, दे आर Parveen एंड Khushi. दे आर Parveen एंड Khushi. करेक्ट हो गया. yes. अब हम लोग नेगेटिव में बोलते, वी आर नॉट Parveen एंड Khushi, या वी आर नॉट इमरान एंड राज. वी आर नॉट इमरान एंड राज. वी आर शादाब एंड वी आर इरफान सर एंड शादाब. अब नेगेटिव में तुम्हारी तरफ बोलते, You are not Jyoti and Sharda. You are not Jyoti and Sharda. You are Khushi and Parveen. यहाँ पे आते हैं, समझो, दे मैं शादा को बोला, They are not Jyoti and Sharda. They are Khushi and Parveen. This is clear to you? yes. आपको इसका प्रैक्टिस करना जरूरी है.